Hello everyone and welcome back to Easy English Literature. Today we will do two more writers from Indian English Literature. Now the first one is Niraj C. Chaudhary. He was born in the year 1897. He was a Bengali English writer and was known as Man of Letters. तो उन्हें Man of Letters कहते थे. आप ध्यान रखिएगा, Man of Letters in Indian English Writing is Niraj C. Chaudhary. His major works, first is The Autobiography of an Unknown Indian. ये most known work है इनका, The Autobiography of an Unknown Indian. इसमें he records his life from his birth. उनके birth से उनकी life को इन्होंने record किया. Obviously autobiography है. उसके बाद इसका ही एक sequel आया, उसका name था Thy Hand Great Arch. Okay, it's autobiographical sequence. इसका sequence था ये. टाइटल इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम अलेक्जेंडर पोप्स द डंसियाड. अलेक्जेंडर पोप की जो द डंसियाड है वहाँ से ये टाइटल लिया गया. एंड दिस वर्क इज सीक्वल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन. नेक्स्ट वर्क इज़ द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्स. ये ऐसे बुक है. नेक्स्ट इज स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डनरी. ये बायोग्राफी है मैक्स म्यूलर की. ठीक है, मैक्स म्यूलर स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डनरी, मैक्स म्यूलर की बायोग्राफी है. और इसके लिए निराज सिंह चौधरी रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड. Next work is A Passage to England. Now don't confuse here. Passage to India है E.M. Forster का और Passage to England है निराज सी चौधरी का. ठीक है, तो Passage to England. उसके अलावा जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि उन्होंने शेक्सपियर के लाइफ और वर्क्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया था. निराज सी चौधरी हैज़ डीपली रेड लाइफ एंड वर्क्स ऑफ शेक्सपियर. आर नेक्स्ट राइटर इज जी वी देसानी. He was born in the year 1909 and his full name is Govind Das Vishnu Das Desani. Okay, अब आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि इसका relation three countries से है. He was born in Kenya, he was educated in Britain, he was an Indian writer and was a Buddhist philosopher. Okay, तो ये four things आप ध्यान रखें इनके बारे में. He was born in Kenya, educated in Britain, he was an Indian writer and was a Buddhist philosopher. He was critique of Mahatma Gandhi's policies. Mahatma Gandhi के जो policies थे उसके critique थे ये. तो आपको ध्यान रखना है कौन सा Indian English writer जो है was a critique of Mahatma Gandhi's policy. He was G.V. Desani. Major works. First work is All About H. Hater. ये important work है, इसकी story line आप एक बार देख लीजिएगा. ये एक picaresque mode में लिखा गया work है. ओके, पिकरेस्क्यू मोड मीन्स एक जो लो क्लास का हीरो होता है वो अपनी लाइफ में अलग अलग फेजेस से जो निकलता है उस तरीके से जो नॉवल लिखा रहता है उसे बोलते हैं पिकरेस्क्यू मोड. तो ऑल अबाउट एच हेटर वॉज रिटन इन पिकरेस्क्यू मोड. हेटर स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान वाला. ओके, सॉरी, एच हेटर स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान वाला और हेटर जो है वो पिन पॉइंट करता है उसकी हैट को. ठीक है, तो एच हेटर स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान वाला और जो स्पेशली हेटर जो है वो पिन पॉइंट करता है उसकी हैट को, जो हैट वो लगा के रखता है. दिस वर्क इज़ कंसिडर्ड एज फाइन एग्जाम्पल ऑफ मिड सेंचुरी मॉडर्निज्म. मिड सेंचुरी मॉडर्निज्म का फाइन वर्क है ये. और इधर इस नॉवल में हेटर को अडॉप्ट करती हैं इंग्लिश मिशनरी सोसाइटी. ओके, इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेटर जो है वो डिस्क्राइब करता है या रिप्रेजेंट करता है द मैस्कुलाइन एज वेल एज फेमिनाइन वैल्यूज़. दोनों ही वैल्यूज़ को वो रिप्रेजेंट करता है. हेटर मार्क्स बोथ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन वैल्यूज़. अब इस वर्क को दो जनों ने इंट्रोड्यूस किया था, टी एस एलियट और ई एम फॉस्टर. तो आपको ध्यान रखना है कि ऑल अबाउट एच हेटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय टी एस एलियट एंड ई एम फॉस्टर. टी एस एलियट ने लिखा था डिस्क्राइब्ड इट्स इमेजरी एज ऑफन टेरिफाइंग इफेक्टिव. एंड ई एम फॉस्टर ने लिखा इट कीप्स इवोकिंग हाइट्स अबव द समिसिटी ऑफ नॉर्मल अचीवमेंट्स. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंट्रोड्यूस किसने किया है. इस नावल को काफ़ी इस नावल ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया सलमान रश्दी को. नावल इन्फ्लुएंस्ड सलमान रश्दी. सेकेंड वर्क है होली. ये एक प्रोज पोएम है. तो जी वी देसानी की अगर हम बात करें तो आपको एक मेजर वर्क ध्यान रखना है इनका, ऑल अबाउट एच हेटर. सो दिस वॉज अबाउट जी वी देसानी एंड निराज सी चौधरी. फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब टू ईजी इंग्लिश लिटरेचर, हिट द बेल आइकन एंड प्लीज हिट द लाइक बटन टू. टिल देन ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग. बाय बाय.